स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। मैं हूं अभी जबलपुर में और जबलपुर में मैं आया हूं रामूजी वाटर पार्क में, जो कि आज ही ओपन हुआ है 15 मार्च को। और मैं यहां पर आप सभी को दिखाने के लिए आया हूं। अगर आप जबलपुर में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पार्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, या फिर आप जबलपुर के आसपास से भी निकल रहे हैं तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। वो तो आपको व्लॉग के एंड में पता लगेगा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपको आज के इस व्लॉग में सारी एक्टिविटीज़ बताऊँगा और सारे चार्जेस वगैरह बताऊंगा, इस पार्क के क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो अभी चलते हैं काउंटर पर और वहाँ पर जानते हैं कि इसकी टिकट्स के क्या चार्जेस हैं। तो आप देख सकते हो ये टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ पर अभी जानते हैं कि यहाँ पे टिकट के क्या चार्जेस हैं। तो मैम क्या चार्जेस हैं टिकट्स के? सर एडल्ट के हैं 599, चिल्ड्रंस के हैं 499 और चिल्ड्रंस का एज क्राइटेरिया है 4 to 10, बिलो 4 फ्री। ओके, तो 499 जो आपने प्राइस बताया उसमें कॉस्ट्यूम वगैरह इंक्लूड है क्या? नो सर। और 599 में भी कॉस्ट्यूम नहीं है? नो सर, ओनली स्लाइड्स आर इंक्लूडेड। ओके, और पार्क की टाइमिंग क्या है? सर पार्क की टाइमिंग है 10 to 6। ठीक है, तो ये लॉकर और कॉस्ट्यूम का चार्जेस कैसे पता लगेंगे? सर वो आप लॉकर और कॉस्ट्यूम के डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हो ये है इसकी एंट्री, यहाँ पर टैप होके और उसके बाद आप एंटर हो जाएंगे। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर बना हुआ है लॉकर कॉस्ट्यूम एरिया, और राइट साइड में जो है ये शॉप्स ओपन हो रही है, क्योंकि आज ही ओपन हुआ है तो अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ये पूरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पर आप जो है कुछ परचेस करके खा पी सकते हो या फिर रिलैक्स कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कॉस्ट्यूम के चार्जेस लिखे हुए हैं, एडल्ट लेडीज़ मोबाइल कवर गूगल कैप सब लिखा हुआ है इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो लॉकर का क्या चार्जेस है इसमें? लॉकर के 200 रुपीज़ चार्जेस है, जिसमें 100 रुपये रेंट है और 100 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये कोई टाइम लिमिट तो नहीं है इसकी? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। ये पूरे लॉकर्स बने हुए हैं आप देख सकते हो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप यहाँ पर आते हो तो अपनी गाड़ी में ही अपना सामान रख के 100 रुपये बचा लो, ऐसे ही अंदर आ जाओ। और कॉस्ट्यूम में भी, क्योंकि 100 रुपये पर कॉस्ट्यूम चार्ज ले रहे हैं, आप कहीं से बल्क में स्पोर्ट्स की शॉप से परचेस करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म तक काम आएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना परचेस करके आओ कॉस्ट्यूम यहां से, मतलब 100 रुपये का ये बहुत महंगा है, मतलब यहां पे क्या हर जगह ही इतने का होता है। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि अपना कॉस्ट्यूम अपने आप घर से लेके आओ, जैसे मैं लेके आता हूँ। राइड का नाम है हाई स्पीड बॉडी वेव, चलिए। ठीक है, जब फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन ही ऐसी होगी तो फिर पार्क के क्या ही कहने। आप देख सकते हो पानी का कलर, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कि ऐसा है कि मुझे यहाँ पे किसी ने बोला है कि यार इसका नेगेटिव मतलब फीडबैक डालो, बट यार कुछ चीज़ों से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ऐसा मेरे साथ में वंडर वेव्स सूरत में भी हुआ था और यहाँ पर आके भी मैं ना खुश हूँ। मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका फर्स्ट डे है, चलो पार्क को टाइम हो गया हो खुले और आपका पार्क नहीं चल रहा हो, फिर आप मेंटेनेंस का इशू आ सकता है, क्योंकि फिर आप धीरे धीरे स्टाफ भी कम कर सकते हो। आज आपका फर्स्ट डे है और उसमें भी आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, ये आप देख सकते हो, ये गंदगी देख रहे हो आप। और ये पहला दिन है, जब पहला ही दिन आपका प्रेजेंटेशन ही ऐसा होगा तो फिर आप क्या ही मतलब क्या करोगे आप। अभी देखते हैं, बाकी मैं आपको एक एमबी पूल भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हो ये किड्स प्ले एरिया है बच्चों के लिए, और इसके अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। आप देख सकते हो ना ये काई देख रहे हो ना आप, तो मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि पार्क अच्छा बना हुआ है, राइड्स भी हैं नो डाउट। पहले ही दिन अगर आपको ये देखना पड़े ना काई और ये सब, तो आप समझ लो कि क्या ही कहने। अब मैं यही कहूंगा कि आप यहां पर आ सकते हो, लेकिन आप जब भी आने का प्लान करो ना तो टिकट परचेस करने से पहले उनको बोलना कि हमें अंदर आके पहले देखना है, कि अगर आपको क्लीननेस मिले तभी आप टिकट परचेस करके एंजॉय करना, अदरवाइज बाहर से ही लौट जाना, क्योंकि ऐसी काई में आपको या आपकी फैमिली मेम्बर को इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा। ये है रामूजी वाटर पार्क का रेन डांस,
यहाँ पर मतलब रेन डांस होता है, अभी बंद है क्योंकि अभी वो फैमिली पूल बच्चों का खुला हुआ है इसलिए ये बंद है। तो टाइम वाइज ओपन करते हैं सब कुछ। ये राइड्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 राइड्स हैं एडल्ट्स के लिए और एक आध शायद बच्चे के लिए भी है। और अगर आपकी एज मतलब 6-7 साल है तो आप ये वाली राइड्स भी कर सकते हो, और उससे कम है तो फिर आप ये वाली राइड्स नहीं कर पाओगे, आपको उधर वाला जो छोटा पूल है उधर जाना पड़ेगा। अभी मैं 1-2 राइड्स और अंदर से सोच रहा था करने की, मतलब अंदर इंटरनल जो है आपको राइड का एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करता, लेकिन जब मैंने देखा कि यार नीचे उसका जहाँ पे हम लैंड करते हैं वहाँ पे पानी गंदा है तो फिर मैं इग्नोर करूँगा। अगर कोई करेगा तो मैं उसके हाथ में कैमरा थमा के और फिर शूट करने का ट्राई करूँगा, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा। ये आप देख सकते हो यहाँ भी गंदगी है, लेकिन यहाँ तो चलो ठीक है गंदगी, लेकिन जो वो छोटा वाला बच्चों का पूल है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही था। और तो यार इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि ये पार्क अभी तो आने लायक नहीं है, मतलब आप आओ, मैंने आपको बोला पहले आओ, पहले अंदर एंट्री करके चेक करो, बाद में टिकट बाद में परचेस करो। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, कल एक और वाटर पार्क में जाना है तो उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। थैंक यू।